हाँ जी, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल टू ऑल? चलो ठीक है जी, चलो रब सुख शांति रखे हैं सारे वास्ते। और एक किनू अलाओ यार, हाले तक क्लास शुरू ही हुई है। हाँ जी हाँ जी, सरप्रीत सिंह जी। हाँ जी सर, एम आई ऑडिबल सर? हेलो सर, आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, थोड़ा सा दूर करके बोलो। ओके इट्स ओके सर। सर एक रिक्वेस्ट है जी। जी सर, जिवें तुसी कुछ डिटेल छड़ देना एट योर ओन, तुसी देखना है जिवें थोनू कह देने तुसी। फॉर एग्जाम्पल तुसी कल क्या सीगा इहदे वास्ते, कम्युनिटी रिजर्व हो गए जिवें, सॉरी कम्युनिटी रिजर्व जिहड़े हैगे ने पंजाब च, जी जी तुसी दो लिखाए ने, गूगल करो तो 6 भी आ रहे ने, किते 8 भी आ रहे ने। सर ओही दस रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट के मैं अज अपडेशंस ले आया करके, ठीक है जो ओके डन सर। हां जी एक्चुअली ना पंजाब की दिक्कत ही यह है कि असी जिहड़ी जगह ते रहने हैं, पंजाब की सरकार ने ही अपनी वैबसाइट जी है ने अपडेट नहीं की हुई है, वो कितने दो दिखाता है, कितने चार है, कितने छे है। डोंट वरी, जो भी मैं लिखाया है देखो ओही है, पंजाब दी एक साइड दे उत्ते जेड़ा पे है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दी साइड दे उत्ते पुरानी जेड़ी अपडेशन है 2442 ए पई है, और स्टेट फॉरेस्ट सर्वे जो इंडिया करदा है, इंडिया दी गवर्नमेंट दा जेड़ा सर्वे है, उस दे अकॉर्डिंग जेड़ी है अपडेशन जेड़ियां हैगियां ने वो मैं अज करवा के जाऊं, दैट इज अराउंड 3000 समथिंग एंड इट इज अराउंड 6% ऑफ द टोटल एरिया। दिमाग उत्थे घूमदा रहिंदा, फिर तुसी ना प्लीज रिक्वेस्ट आ नाल दी नाल इहनूं कवर करदे करो सर, साडे वास्ते ना छड्डे करो। नहीं नहीं देखो सर, ओ देखो मेरी गल सुनो, ओ करना पैणा, ठीक है, वो मेरा एक तरीका पढ़ाने का कि मैं जो हरी के पतन दस्से और जिथे इंपॉर्टेंट है मैं उत्थे ही सोनू चाहना हूं कि बार बार रवे, क्योंकि उन्ना ही सोडे याद रहना है और उस दे उत्ते तुसी जिन्ना एफर्ट लगाओगे वो सोडे लिए बेनीफिट है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो मैं क्लास पढ़ा रहा उसके पिछे पेपर आए, हो सकता कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, ठीक है, और एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सोनू सारी इन्फॉर्मेशन देव, मैं सोनू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकता है बट सारी नहीं दे सकता, ठीक, तो इसलिए मैं करता हूं कि यार थोड़ा जा ओपन रख के कि तुसी उस चीज के ऊपर आगे जो है डिस्कस अपना, मतलब थोड़ा जा सोडे दिमाग च रहे वो चीज। सर यही गल है ना, फिर कंफ्यूजन होती है, जिवें तुसी फ्रेश वाटर कला लभण वास्ते कि आपां सारी डिटेल खोल के बैठे ने उत्थे, उत्थे डिफरेंट है सर। मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं तुहाडी इनफॉर्मेशन ते रिलाई करूंगा डेट ऑफ फॉर एग्जामिनेशन पर। डोंट वरी, हां जी जेड़ी इनफॉर्मेशन चाहिदी है वो सोनू इनफॉर्मेशन मिलूगी जेड़ी मैनूं लगदा है कि इंपॉर्टेंट है और सोनू देनी चाहिदी है, ठीक है, और थोड़ा जा बस इन्ना समझ लो सोनू टीचर ही किहा जा मिलिया कि जेड़ा सोनू भी तंग करूगा 10%, ठीक, और इस दा जेड़ा सोल्यूशन है मैं सोनू एक चीज दस सकदा, लेट्स से मैंने सोनू कहता इहनूं तुसीं लभणा है, ठीक, तुसीं लभिया, सोनू लगता कि यार इसनूं कन्फर्म करन दी लोड़ है, सोडे कोले मेरा वट्सएप नंबर है, तुसीं मैनूं वट्सएप करो, मेरे तो पुछो, मैं सोनू नाल दी नाल उसदा रिप्लाई करूं कि हाँ इस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, ठीक ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। चलो जी बेटा, सोर्स तो यह है जो सोनू मैं दसी है जो तो मैं पढ़ा रहे हैं, प्लस ट्राई करो जेड़ा सोडी कोले हुण बुक जेड़ी है अपने इंस्टीट्यूशन की जेड़ी बुक पहुंच जानी है, ठीक है, हाले थोड़ा जा डिले हो रहा है कोविड करके, वो पहुंच जानी है उस दे विचों पढ़ियो, ठीक है, वो सोडा सोर्स जेड़ा है मेन सोर्स उही बनता है बुक का, वट्सएप नंबर बेटा सोडे कोले हैगा ग्रुप दे विच ही, मोहित दे नाम ते ऐड है मैं। चलो जी ठीक है, हुण अज आपां स्टार्ट करदे हां। देखो मैं तुहानूं पहले ही दसता सी, इस तो बाद मैं तुहाडे चैट बॉक्स दे विच नहीं देख रहा, मैनूं नहीं पता तुसीं की पुछ रहे हो की नहीं पुछ रहे,
doesn't matter for me, ठीक है, till I finish my component. कि जो तक मैं अपने वालों खत्म नहीं करता, मैंने कोई लेना देना नहीं तुसी कौन हो, की पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे. हाँ, जदों मेरा खत्म हुंदा उस तो बाद, फिर उस तो बाद जिहड़े चैट दे विच तुहाडे क्वेश्चंस होणगे उहदा आंसर मिलना. क्लीयर है? हुण चलो, हुण देखो जी, असीं कल क्लाइमेट की गल कर रहे सी, और क्लाइमेट दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी एक तां उह है जिहड़ा रेगूलर क्लाइमेट है, और दूजी तरफ उह है जिहड़ा ट्रांजिशनल है. ठीक है जी, दो तरह का छोटा क्लाइमेट है, एक रेगुलर है और दूजा ट्रांजिशनल क्लाइमेट है. हुण सुनो, रेगुलर दे जिहड़ा हैगा इहदे विच होट एंड ड्राई, ठीक है, और इहदा जिहड़ा टाइम पीरियड हुंदा है इह हुंदा है अप्रैल टू जून, जून या जुलाई. ठीक, दूजा जिहड़ा सीजन आंदा है उह तुहाडा आंदा है जी रेनी सीजन, मीह वाला बरसाती समा. ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਡ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਜਾਂ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਆਫ ਫੈਬਰੇਰੀ ਜਾਂ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਮਾਰਚ. ਠੀਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਟਮ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੰਬਰ. ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਰੇਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਡ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਟਮ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ. ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਸਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਸੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ. ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ, ਪਹਾੜ ਨੇ, ਨਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵਰਸਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਵਰਸਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵਿੰਡ ਸਪੀਡ, ਹਵਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ, ਹਵਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ. ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋਅ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋਅ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਦਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ. ਹਵਾ ਹੌਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੈਗਨੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ. ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂ, ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਦੂਜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਠੰਡਾ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਏਰੀਆ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਹਾੜ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ, ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਸਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰੂਸਥਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰੂਸਥਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਦਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਦਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਸੁੱਕਾ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਸੁੱਕਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ. ਠੀਕ, ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਹੈ, ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਵਿੰਡ ਸਪੀਡ ਹੈ. ਠੀਕ, ਔਰ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੋਈ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ. ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆ,
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਆਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁੱਕਾ ਏਰੀਆ, ਡੈਜ਼ਰਟਡ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਲ ਏਰੀਆਜ਼। ਆਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਆਲ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਹੋਟ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਟ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ, ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਰੇਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੇਨ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰੇਂਜਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਬਲੌਕ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨਮੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਊਗੀ ਤਾਂ ਓਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨਫਾਲ ਹੈ ਉਹ ਰੇਨਫਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉਹ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇਨਫਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਨਸੂਨਲ ਰੇਨਫਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੌਨਸੂਨਲ ਰੇਨਫਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਟੈਂਬਰ, ਅਗਸਤ ਲਾਸਟ ਜਾਂ ਸਪਟੈਂਬਰ ਫਸਟ ਵੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੌਨਸੂਨਲ ਰੇਨਫਾਲ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨਫਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨਫਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਧਰਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ, ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਕਰਕੇ, ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰਲਾ ਵੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ, ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨਫਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਾੜ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰੂਥਲ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਆ, ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕੰਟੀਨੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ, ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੂਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਏਰੀਏ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਧਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ 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 ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਗਰਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਨੇ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
और सर्दी का जो एरिया है इन्होंने एरिया सर्दी ज्यादा पैंती है, समझ गए। तो तीन जोड़े सीजन ने हॉट रेनी कोल्ड, ठीक है, उन्होंने इफेक्ट दसे ने पहली गल तो आप कि है। मैं नहीं कहता कि मीह इतने नहीं वरदा, मीह इतने भी पैदा इतने भी पैदा है, पर सब तो ज्यादा मीह जोड़ा है ये एरिए पैदा, ठीक है ना। सब तो ज्यादा गर्मी है ये एरिए रही है, सब तो ज्यादा अगर ठंड देखिए तो इस एरिए रही है। क्लीयर। हूँ अगर देखा जाए तो ये जिन्हें भी मैं एरिए दसे ने टोपोग्राफी भी दिखती है पहाड़ी एरिए लग गए, ठीक है, टेंपरेचर भी दिखता है थले वाला एरिया है मरुस्थल का एरिया है, टेंपरेचर ज्यादा है तो गर्मी ज्यादा हो रही है, विंड स्पीड भी है, विंड स्पीड अगेन हूँ इतने की है मरुस्थल के हवावं चलन गियाँ, हवा चलूगी तो गर्म हवा चलती है तो जोड़े लगते एरियाज ने धूड़ आँदी भी, मतलब धूल मिट्टी उड़ती है, गर्म गर्म हवावं चलदियाँ ने, लू जिन्हों असी कह दें लू चलती है गर्मियों के, ठीक है ना, वो लू चलन के कारण हवा हवा ही है गर्म हवा, ठीक है, वनू लू कह दें असी। उस तो बाद अगेन रिवर है जिथे जिथे असी देखते हैं उपर पहाड़ा चो नदियां निकलदिया ने वो मॉडरेटिंग इफेक्ट है उन्होंने, आले दुआले का एरिया ठंडा है, ठीक है, और उस तो बाद डेजर्ट असी देख लिया माउंटेन देख लिया, ये है। क्लीयर। हूँ देखो यार हॉट एंड जो ड्राई सीजन है, हॉट एंड ड्राई सीजन थोड़ा रहा मेनली अप्रैल ते जून दे विच। हुण मैं एक ना एक बेसिक जा देखो यार तुसी ज्योग्राफी दे विच भी कवर किया हो या करोगे, मेरा इतने कॉम्पोनेंट नहीं है, बट फिर भी मैं एक चीज़ डिस्कस करनी चाहना कि ना थोड़ा पता हो यार मीह या हॉट एंड ड्राई सीजन का की मतलब इतने मतलब क्यों आते हैं। असी जो तो देखते हैं साडा पंजाब जिहड़ा है इंडिया के ना नॉर्थ वैसटर्न साइड के विच है, ठीक है, नॉर्थ वैसटर्न साइड के विच है, और उपर देखो तो थोड़ा अगे तुसी चले जाओ तो की है हिमाचल तो बाद तिब्बत जिहड़ा असी साइड पर कढ़ दिंदे है ना तिब्बत, और जदों देखा जाता है सब तो गर्म जिहड़ा तुहाडा रेनी सीजन है, रेनी सीजन, ठीक, वो रेनी सीजन कादे नहीं आता, मानसून कादे नहीं आउंदियां आउंदियां ने, मानसून जून जुलाई का जिहड़ा समा है मई जून जिहड़ा है वह जून के समय के आई टी सी जेड जिहड़ा हुंदा तुहाडा, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जिहड़ा है वह उपर वालू शिफ्ट कर जाता है, करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉम है तो उहदे विच इक्वेटर है तो ऐसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिहड़ा है उस तो उपर है ना, तो जिहड़ा सूरज है वह उपर वालू मूव कर रहा, उपर वालू मूव कर रहा मतलब जिहड़ा तुहाडा इंटर आई टी सी जेड है वह तिब्बतन प्लेटू के उत्ते आ जाता है, ठीक, तिब्बतन प्लेटू के उत्ते तक आन करके की हो जाता है उहदी जिहड़ी मतलब असी कह दिंदे सिद्धियां किरणां ने वह एरिया गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है तो उत्थे प्रेशर घट जाता है, टेंपरेचर वध गया हुण जिहड़ी गर्म हवा आउंदी है उपर नूं उठदी है ना तो उहनूं भरन लई ठंडी हवा जिहड़ी हैगी है विच्चों थल्लों दी आउंदी है तो वह जिहड़ियां ठंडियां हवावां ने, जे मैं इंडिया का मैप ला लां इत्थे पंजाब की गल कर लां तो इधरों बे ऑफ बेंगोल इधरों अरेबियन सी ये दोनों इत्थों हवावां आउंदियां आउंदियां तुहाडे उपर आडा मान लो तिब्बतन प्लेटू आ पंजाब पे है तो यह दोनों हवावं आदि ने, ठीक है, इस करके ये जी जगह है तोड़ा मीह जड़ा है वह पैदा है। क्लीयर। मीह जड़ा है पंजाब के मानसूनल रेनफॉल है, वह मानसूनल रेनफॉल जी है जून च क्यों होंगी है, और अगर देखा जाए या तो वह इन्ना केरला वाले एरिया मैक्सीमम है या फिर जोड़ा साडा पंजाब वाले एरिया ने इन्ना च है, क्यों है, क्योंकि इतों सूरज दिया किरणा उपर गई आ जोड़ा एरिया है पंजाब का ये गर्म होया और इतों जड़िया हवावं ने पानी नाल भरिया भी आईया तो इतने मीह वरसदा, ठीक है। हूँ ये जोड़ा मीह है देखो सूरज की मूवमेंट है उन्हें सर्दियों नीचे भी जाना है तो वह सपटेंबर ऑनवर्ड्स वो मूवमेंट हेठा होने लग जाती है, हेठा होने लगी इस करके जोड़ा मीह पै रहा है वह मीह सपटेंबर के पहले महीने तो हूँ तो अगस्त की गल ही हो जाती है कि अगस्त के लास्ट से ही एट मैक्स सपटेंबर के पहले महीने तो वह जो मीह है वह थोड़ा घटन लग जाता और मिड सपटेंबर तक वह सारा का सारा जो मीह है मानसून है जिथे तक भी अभी कह लिए कोई पहाड़ी एरिए लास्ट पैदा भी सी वह भी सारे खत्म हो जाते हैं चले जाते हैं। क्लीयर। फिर तुम देखते ही हो
दो ढाई तीन महीने कोई मीह का असर नहीं है जून तो सितंबर ते पिया ठीक है अगला जेड़ा मीह पैण दा मौसम आंदा है फॉर अ ब्रीफ पीरियड वो आंदा तुहाडा सर्दियों दे विच वो सर्दियों च क्यों आंदा है अगेन मैं तुहानू दस्सिया जेड़े तुहाडे वैस्टर्न डिस्टर्बेंस हैगे है वो पानी मेडिटेरियन सी तो चकदियां ने हवावां और वो मेडिटेरियन सी तो हवावां चक के पानी इंडिया वाल नूं आउंदियां ने और तुहानू पता है इंडिया के सब तो लैफ्ट साइड ते साडा पंजाब यही तो रीजन हैगे ने इस करके इत्थे सारा मीह वरस लैंदा समझ गए तो दो सीजन जेड़े रेन दे सीजन है एक तो मानसूनल सीजन है और दूसरा जेड़ा तुहाडा हैगा वो हैगा वैस्टर्न डिस्टर्बेंसिस करके क्लीयर पहली चीज ठीक हुण हुण एक होर देखो यार जेड़ा साड़ी रेनफॉल है ना ये रेनफॉल किस रेंज दे विच है ठीक है अगर एट मैक्स देख भी लैंदे हां तां किते ना किते 800 mm भी दिखांदा है ठीक ओही जेड़े तुहाडे अगे ए पहाड़ी एरियाज ने ए ऑन एन एवरेज नहीं मैं कह रहा देखो एवरेज तां घट के इत्थे जी आ जांदी है साडी ठीक है बट की है जेड़े साडे पहाड़ी एरिया ने ना उत्थे 800 mm तक दी भी जेड़ी हैगी है तुहाडी रेनफॉल ए दिखांदा है क्यों दिखांदा है अगेन पहाड़ ने हवा रुकदी है रुकन करके वो उपर जाती है तो वह ठंडी होने मीह वरसद मतलब ये जोग्राफी का होगा यार जो मैं इन्ना इनडैप चला गया तो आप अपने जोड़ा है वह लिंक टुट जाना सा ठीक है हूँ देखो यार अच्छा यार गल सुनो मैं एक चीज उन्होंने कह रहा हूं डू आई नीड अच्छा कि मैं ये लोड है कि मैं ये सारा कुछ उन्होंने लिखावा कली कली चीज कि मैं लोड है ये मैं पूछ रहा हूं अच्छा मेजोरिटी का नो है जिन्हें भी यस कहते हैं चलो मैं सुनो एक होर चीज दस दें यह चीजा लिखण वाली जिहड़ी चीज है इस दे विच चलो लिखो यार छोटे मन च ना रह जे के लिखवाया नहीं ठीक है क्लाइमेट के उत्ते लिखते हैं ठीक क्लाइमेट के उत्ते लिख के अपना सारा खत्म हो जूगा फिर असी सॉइल्स उत्ते चलांगे और अज किसी भी हालत दे विच क्लाइमेट एंड सॉइल्स खत्म करनी है मैं कल तो हिस्ट्री स्टार्ट करनी है कुछ भी हो जाए और हिस्ट्री इन्नी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ठीक इन्नी ज्यादा सुनो अपने आप मजा आना स्टोरिया के फॉर्म च चलांगे और वधिया उन्हें कंप्लीट करांगे चलो जी हुण सब तो पहला लिखो जी जेड़ा है हॉट एंड ड्राई हॉट एंड ड्राई सीजन इन पंजाब द मंथ्स ऑफ अप्रैल मे एंड जून इन पंजाब The months of April, May and June are the hottest months with dry atmosphere. कोई मी नहीं हैगा इन्हां दिनां च कुछ नहीं हुंदा ड्राई हुंदा है सारा कुछ are the hottest months with dry atmosphere. In the month of May and June In the month of May and June, hot air, brackets palo, loo. और ये नाम भी पूछे जाते हैं ये लू पंजाब च कहते हैं राजस्थान च तो होर नाम है यूपी च तो होर नाम है ठीक है वो भी नाम पूछे जाते हैं hot air, loo blows
blow during the afternoon the southwestern part of Punjab ओही निचला बठिंडियाला एरिया जेड़ा है निचला हेठाला मरुस्थल दे नाल the southwest region of Punjab has mean temperature around 40 to 42 degrees Celsius, mean temperature around 40 to 42 degree Celsius. All ajada area hai Punjab da, ede vich 40 to 42 degree Celsius ajada hai, average temperature rehnda tuhanda. Theek? हुण आ जाओ जी अगे ठीक है हॉट एंड ड्राई है और बिल्कुल सुक्का हुंदा अगर तुसी देखो नेरियां चल दिया ने ठीक उन चलो नेरियां दा भी तुहानू दस दां नेरियां दे विच जिहड़ी धूल आंदी उड़दी है ना पंजाब दे विच अप्रैल ते जून तुसी इह समा देखो इह विसाखी तो मगरला समा कणक वढ़ती है और सरकार दी परमिशन हुंदी है 10 जून तो पहला तुसी झोना बीज नहीं सकदे है ना ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਵਾ ਗਰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹਵਾ ਗਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਥੱਲੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਊਗੀ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰਮ ਵਾਲੀ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਇੱਧਰੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਆਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗਰਮ ਹਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰੂਗੀ ਨਾ ਐ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੈਕਿਊਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੂਪ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲੂਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਤਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ rainfall in Punjab region, the main reason behind the rainfall in Punjab region is monsoonal winds. The main reason behind rainfall in Punjab region is monsoonal rainfall. These monsoon winds, arrives in the eastern part of Punjab. These monsoon winds arrive in eastern part of Punjab in the end of June month or in the first week of July month. In the end of June month or in the first week of July month. And this season continues. Till first week of September. This season continues till first week of September. And then after, with the retreat of monsoonal winds, the rainy season in Punjab ends.
नेक्स्ट ऐसे दे विच ना मतलब पॉइंट बना लो यार, एक दो पॉइंट ने और वो ना बड़े इंपॉर्टेंट है आ सकते हैं। द मैक्सिमम रेनफॉल इन पंजाब रीजन, द मैक्सिमम रेनफॉल इन पंजाब रीजन इज नियर द शिवालिक माउंटेन्स, इज नियर द शिवालिक माउंटेन एरियाज डिस्ट्रिक्ट्स एंड as we move further from these hills and as we move further from these hills the intensity of rainfall decreases, as we move further from these hills the intensity of rainfall decreases and the southwestern region of Punjab, ohi hethan wala, the southwest region of Punjab receives lowest rainfall. The southwest region adjacent to Rajasthan and Pakistan. Theek? It receives lowest rainfall. During these monsoon days, the Punjab state receives around 70% of its annual rainfall. Punjab receives around 70% of its rainfall. ठीक है? And average rainfall in Punjab is around from 400 to 500 millimeter. The average rainfall in Punjab is around 4 to 500 mm. One more important thing, the Punjab region receives the Punjab region receives rainfall from both Arabian Sea as well as Bay of Bengal branch. The Punjab region receives rainfall from both Arabian Sea branch as well as Bay of Bengal branch, but the maximum rainfall is due to Bay of Bengal branch. It receives rainfall from the both branches, Arabian Sea as well as Bay of Bengal, but the maximum rainfall is due to the Bay of Bengal branch. Clear? Now, cold season or winter season. As the monsoon starts withdrawing from the Punjab region, from first week of September, and this process is completed by mid of September. Along with this, the sun
सन सूरज की गल हो रही है सन स्टार्ट्स मूविंग साउथवर्ड्स सन स्टार्ट्स मूविंग साउथवर्ड्स विच कॉजेस अ फॉल इन टेंपरेचर हुण देखो सूरज परे जाऊगा तो की होंदा साडे जो सर्दियां होंदियां ने तो असीं देखदे ना आस्ट्रेलियन जिहड़ा रीजन है आस्ट्रेलिया दे विच की है गर्मी अग लगदी है जंगलां च उहनां दिनां च क्यों सूरज जिहड़ा है उपरों हेठां वल नूं मूव कर गया उपरों हेठां वल नूं मूव कीता समझ गए तो इस करके की होंदा है बाय मिड ऑफ सितंबर सन स्टार्ट्स मूविंग साउथवर्ड्स सो इट लीड्स टू फॉल इन द टेंपरेचर दिस लीड्स टू फॉल इन द टेंपरेचर एंड विद टाइम विद टाइम बाय दिसंबर एंड जनवरी पंजाब बाय दिसंबर एंड जनवरी पंजाब फेसिस द कोल्डेस्ट मंथ्स पंजाब फेसिस द कोल्डेस्ट मंथ्स ठंडे तो ठंडा जो महीने होंगे वह दिसंबर से जनवरी के होंगे है ठीक है दिसंबर एंड जनवरी जोड़ा है वह ठंडे तो ठंडे महीने हैं साढ़े ठीक उस तो बाद अगेन तुम देखते ही हो कि फिर दोबारा तो जोड़ा है मौसम सूरज फिर उपर वाल आन लग जाता सूरज उपर वाल आन लग गया तो की हो जाता है गर्मी फिर वधन लग जाती है हौली हौली ठंड खत्म होके स्प्रिंग का सीजन आ जाता ठीक स्प्रिंग निकलती है तो फिर उदो तक सूरज होर उपर आ गया तो अगेन थोड़ा जोड़ा हॉट एंड ड्राई सीजन है ये दोबारा शुरू हो जाता है ठीक है ना तो कहने का मतलब की है सिर्फ सूरज के उपर नीचे आने करके देखो यार सूरज उपर नीचे नहीं होंगे मैं सू सिंपल समझा रहा देखा जाए तो धरती घूमती है टिल्ट है डायरेक्शन है वो करके सारा फंडा है पर सिंपल जी गल यही है कि इक्वेटर उपर की है कैंसर नीचे की है कैप्रीकॉन ठीक तो वो जो सूरज की मूवमेंट है वो करके ही गर्मी है वो करके ही हीट होंगी है जिथे गर्म होया उ हवा भी गर्म होगी हवा गर्म होगी वह उपर उठ गई तो उत्थे की आ गया ठंडिया जिहड़ियां पानी दी भरिया हुई हवावान ने उत्थे आ गई उन्होंने करके मीह वस जाता ठीक है तो सारी सूरज की मूवमेंट नाल ही सोडे आ जिहड़े सारे सीजन है यह डिपेंड कर क्लीयर ठीक है जी हुण और देखो ये जिहड़ा टाइम है ये कदे लई हुंदा है ये सोडी रबी की क्रॉप है जिहड़ी ठीक है दिस सीजन इज बेस्ट फॉर द रबी क्रॉप हुण एक चीज है मैं करवाऊंगा तो अगे भी जो मैं एग्रीकल्चर से आऊंगा बट सोडे तो एक चीज पूछी जाती है मेनली जेडे सिविल सर्विसेज के पेपर ने ना उन्हें ये इंपॉर्टेंट है खरीफ ते रबी सोडे तो क्रॉप्स पूछे जाते हैं कि वीट है कीच फॉल करती है ठीक है मस्टर्ड है की दा पार्ट है कॉटन है रबी क्रॉप है या तुहाडी खरीफ क्रॉप है ठीक है ना तो मतलब ये भी तुसी अपने आप पहला देखना है ठीक है मेरी टर्न आऊगी मैं करवा दूंगा बट मैं की कह रहा है सोनू पता होनी चाहिए ने ठीक तो आ सारा है तुहाडा क्लाइमेट का सीन जो पंजाब दे विच चल रहा ठीक है हुण यार वीडियो स्टॉप होगी कि सारे नु दिख रहा मैं बोर्ड ते की लिख रहा है देयर इज ओके 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 गॉट इट बस लग गया पता चलो यार अच्छा हुण ना ये तो असी क्लाइमेट देखा और असी क्लाइमेट दे रीजन भी देख ले चलो हुण साडी देखो पंजाब सरकार ने ठीक है कुछ ना कुछ तो क्लाइमेट वास्ते करना ही हुंदा हरेक ही करदा त
ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੌਲੇਜ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੌਲੇਜ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਊਂਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਨਸ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਨਸ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੌਲੇਜ ਸੈਂਟਰ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹ 'ਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੌਲੇਜ ਸੈਂਟਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਫੋਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਫੋਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ, ਡੋਂਟ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ, ਰਾਈਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਅੰਡਰ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਅੰਡਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਨੌਲੇਜ ਫੋਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਅੰਡਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਨੌਲੇਜ ਫੋਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਲਿਖ ਲਓ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਆਰ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੌਲੇਜ ਸੈਂਟਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਨੌਲੇਜ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਹਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਊ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮ ਹੋਊ, ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ, ਲਿਖੋ, ਇਟਸ ਫਸਟ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਚੈਲੇਂਜਿਸ ਆਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਚੈਲੇਂਜਿਸ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਹ ਰੇਨ ਫੈਡ ਹੈ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰੇਨ ਫੈਡ, ਅਰਾਊਂਡ ਅਰਾਊਂਡ ਐਟ ਅਬਵ 95%, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਇਰੀਗੇਟਿਡ, ਅਸੀਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਤੋਂ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ? ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨਾਲ, SYL ਕੈਨਲ ਐਂਡ ਆਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸ਼ਟਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਬਟ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਮੁੱਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਐਂਡ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ, ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆਸ, ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆਸ ਐਂਡ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, to formulate state specific adaptation and mitigation strategies, to formulate state specific adaptation and
mitigation strategies clear and to work as a functional knowledge center to spread the knowledge about climate change ठीक है और इतने पूछा जा रहा है नेशनल मिशन ऑन द नेशनल मिशन केड़ा जी इट हैज बीन एस्टेब्लिश पुराना दस रहे हैं ठीक है ना बच्चे ने पूछे है इट हैज बीन एस्टेब्लिश अंडर नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज ठीक चलो सो एदे नाल ही क्लाइमेट का जेड़ा साड़ा है टॉपिक ये खत्म होंगे क्लाइमेट हूँ अगला जेड़ा है उदे उत्ते असी गल करांगे सोयल्स दे उत्ते हूँ आ गई जी मिट्टी ठीक मिट्टी मैं इसे लिए सब तो लास्ट च रखी है कि जो सारा कुछ पता है हूँ सानू सारा कुछ पता लग गया मीह कित्थे पैंदा नदी कित्थों वहिंदी है ठीक है कित्थे मरुस्थल दे नाल लगदा एरिया और ये हूँ जो सारिया चीज़ा पता ने विजुअलाइज कर सकते हो तो हूँ तुम देखियो जो असं मिट्टिया बारे गल करांगे ना तो कोई दिक्कत आऊगी नहीं आनी चाहिए नहीं जे आती है तो कोई इशू नहीं है ठीक है आनी नहीं चाहिए Soils of Punjab, Punjab दिया मिट्टियां अच्छा ता सब तो पहला ता देखो आपां ना पहला यही देखिए किन्ने तरह दी मिट्टियां मिलदियां ने पंजाब दी है ना सब तो पहला ता बेट सोयल बेट टी और इनू की क्या है ना जी दूजी फ्लड सोयल बेट एंड फ्लड सोयल और नॉट एंड लोमी लोम सोयल ठीक नेक्स्ट आ जाती है थोड़ी सैंडी सैंडी सोयल्स फिर आ जाती है थोड़ी डेजर्ट सोयल हूँ शायद आ सैंडी ते डेजर्ट तो तुम अंदाजा ही ला लो मेरे बोलने तो पहले ही कि कितने मिलती ने बेटा कोई कैमरे का फोकस नहीं चेंज होया मैं कल्ला ही कमरे च है मैं थोड़े सामने बोर्ड ते लग्या हुआ कैमरा किसी ने नहीं हिलाना ठीक सारे नु विजिबल है ना डेजर्ट सोयल देन आफ्टर हुण देखो ले आ मैं लिखती कंडी सोयल कंडी का एरिया दस्या सी सानू है ना तो हुण सानू मैं उहदे एरिए दी क्वालिटी भी दसी सी भी की क्वालिटी होनी है तो उहदे अकॉर्डिंग सानू पता लग जाना चाहिए कंडी सोयल फॉरेस्ट फॉरेस्ट और इहनू की कहिंदे जी पॉडजोलिक पॉडजोल्स कहिंदे पॉडजोलिक सोयल ठीक फॉरेस्ट जां पॉडजोलिक सोयल ते लास्ट दे विच बचदी है तुहाडी सलाइन ले आ भी पता लग जानी चाहिए है सलाइन मतलब एसिडिक सोयल सलेनिटी ज्यादा है एसिडिटी ज्यादा जिदे विच हुण देखो अच्छा चलो हले मैं स्टार्ट नहीं करदा आज आप ना पहले एवं देखते हैं नले पता लग जू हूँ देखो यार मेरा ना हमेशा एक तरीका है पढ़ाने का एक चाहना की होंगे मैं स्टूडेंट्स तो कि ना कदे रट्टा ना लगाओ
पेपर जिहड़े हैगे ने ना सिविल सर्विसेज दे, हो सकदा तुसीं सिर्फ पंजाब पीसीएस देने लई पहली बार बैठ रहे हो या तुसीं पहली बार कोचिंग लई होवे, पर मैं तुहानूं एक चीज दसना चाहुंदा, तुहाडे कंपैरेटिवली तुहाडे कंपीटीशन दे विच ओह वी कैंडीडेट होणगे जिहड़े यूपीएससी दी तैयारी करदे पिछले कई सालां तों कर रहे हैं, ठीक है ना, तां उहनां दा नॉलेज बेस जिहड़ा उह ब्रॉडर होणा है, ठीक, और वह तैयारी किवें करदे उही मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, भावें तुसीं पीसीएस देना है कोई भी स्टेट सर्विस देना है, कदे भी रट्टा ना लायो, ठीक है, रट्टा जिस दिन लग गया पेपर का तुहानू प्रैशर नहीं पता, मैं दस सकदा पेपर का इन्ना क प्रैशर होना, इन्ना क प्रैशर होना कि तुहाडा रट्टा धरिया धराया रह जाना, और जो स्टूडेंट कोई भी बंदा रट्टा लगा के जाता है ना, टेंशन च आके प्रैशर च आके वह हमेशा गलत आंसर मार्क करेगा, ठीक, इसलिए ही मैं मैप मंगाया सी, इसलिए ही मैं सोनू मैप तो सारी ज्योग्राफी पढ़ा रहा है कि यार रट्टा नहीं लाना, असी बिना रट्टे तो असी सारा उहदा ज्योग्राफिकल फीचर समझने हैं, वह तो सानू नदियां भी पता लगनगियां, वह तो सानू मीह भी पता लग गया, वह तो सानू मिट्टी का भी पता लग जूगा, वह तो सानू हवा का भी पता लग जूगा, सारा कुछ पता लग जूगा, ठीक। हुण देखो आ जे फॉरैसट जां पॉडजोलिक सॉयल की गल कर लां तां कित्थे मिलनी चाहीदी है, लिखो एक अद्धा जाना कित्थे मिलनी चाहीदी है, हाँ होशियारपुर, ठीक है, नियर शिवालिक एरिया, तुहाडे शिवालिक दे एरिए दे कोले आ सारी तुहाडी जिहड़ी फॉरेस्ट सॉयल है पॉडजोलिक सॉयल है ये मिलती है। चलो हुण इहदे उत्ते एक मैं होर डिस्कस करदा, चलो हले नहीं, ठीक है, जो करदा आ कंडी सॉयल, कंडी सॉयल कित्थे मिलनी चाहीदी है, ठीक है, आ जिहड़ा तुसीं चंडीगढ़ तों लैके आनंदपुर वाली जिहड़ी रोड जाने हो ना वह तुहाडा एरिया कंडी सॉयल उत्थे मिलनी चाहीदी है, ठीक। हुण आ जाओ आ डेजर्ट सॉयल ते आ तुहाडी सैंडी सॉयल, डेजर्ट दसो, ठीक है, साउथ वैसटन डायरेक्शन च है हेठां वाले पासे डेजर्ट जिहड़ा राजस्थान दे नाल एरिया लगता उत्थे डेजर्ट सॉयल मिलेगी, होर हुण इह तां है नहीं वी इह जाके तुहानूं होशियारपुर मिलेगी मरुस्थली सॉयल, इत्थे मिलू ना, अगे आ जाओ डेजर्ट ते सैंडी, सैंडी सॉयल कित्थे हुंदी है, सैंड, सैंडी सॉयल मतलब जिहदे कण जे असीं कह दिंदे ना ज़्यादा कले कले जे है जुड़े जे नहीं वे, मतलब जिथे ह्यूमिडिटी घट है मॉइस्चर घट है सैंडी सॉयल अगेन थोड़ा उही एरिया है, ठीक है, पटियाले संगरूर ये वाले साडे एरिए आ गए, ठीक। अगे चलते हैं आ सलाइन सॉयल, हो सकता है ये ना सानू पता होवे सलाइन सॉयल की है, ठीक है, ये मैं दसूंगा कि सैलिनिटी क्यों होंदी है सॉयल दे विच ते फिर असी गल करांगे, ठीक। आ बेड सॉयल, ताही इहदा मैं दूजा नाम लिखिया बेड सॉयल का, फ्लड सॉयल, फ्लड कित्थे है, कित्थे आऊगा, जिथे रिवर है, बेड सॉयल या फ्लड सॉयल कित्थे आऊगी, जेड़े तुहाडे रिवर्स है जेड़ा तुहाडा दुआब का एरिया है सतलुज के इधरले पासे वाला एरिया है, ठीक है, ये अज सानू लगता है कि सतलुज इतों निकलती है ब्यास इतों निकलती है, इन्हों के एरिए तो बहुत वाइडर सीगे पहला जे देखा जाए, ठीक, तो वह वाइडर एरियाज करके ही ये सारी मिट्टी बिछ गई है, ये तो रिवर्स है ना, रिवर्स अपना कोर्स चेंज कर दिया ने, समझ गए, पहला किसी टाइम हो सकता है इस एरिए चो भी निकलती हो, निकल दिया जाती है मिट्टी बिछदी जाती है, मिट्टी बिछदी जाती है, तो आ बेड सॉयल अगर हम सू पता लग गया तो नहरी जेड़े पानी ने दुआबे वाले एरिए ने होर ने उत्थे बेड सॉयल है, लोम सॉयल है, अगेन लोमी सॉयल है, लोमी सॉयल दे विच की हुंदा ह्यूमिडिटी वाले कण हुंदे है जिथे पानी हुंदा, ठीक है, उत्थे लोम है क्ले हुंदी है, ठीक, अगेन थोड़ा यह पूरे पंजाब के रीजन च मिलती है मोर और लैस, ठीक है, तो सलाइन सॉयल है, सलाइन मैं दसूंगा की हुंदी है, बेटा सारे ही डिस्कस करने हैं, डोंट वरी मैं ये नहीं कहा भी पूरे हो गए, मैं कली कली सॉयल डिस्कस करूंगा, उसकी क्वालिटी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, मैं तो सिर्फ एक कह रहे हैं भी मैप पता है तो सारिया सॉयल्स पता ने, ठीक है। हुण हुण लिखते हैं जी सब तो पहला साड़ी बेट सॉयल ते या फ्लड सॉयल, बेट या फ्लड सॉयल, बेटा काउंसिल का नाम है पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। हुण देखो जी सब तो पहला आ गई तुहाडी बेड सॉयल, और
बेड सोयल की गल करता मैं ठीक इतनी लिख रहे हैं यार बारी बारी नहीं सब तो पहला तो की है जे बेड सोयल है फ्लड सोयल है तो इसका सब तो पहला फीचर की है अलोंग बोथ साइड्स ऑफ रिवर्स देखो यार मैं जो लिखूंगा भी ना मैं बोल भी रहा कई बार सोनू ना समझ आवे तो मैं बोल रहा क्लियर उतो समझ लियो इट इज फाउंड अलोंग द बोथ साइड्स ऑफ रिवर ठीक है कोई भी रिवर है उन्होंने दोनों साइड से बेड सोयल मिलती है ठीक है और इन्हों खादर सोयल भी कहा जाता है हुण जे पता होवे मैं उस दिन सोनू प्लेन करवाए सी प्लेन दे विच मैं सोनू दस्या सी ना कि बाबर ठीक तराई बांगर खादर दस्या सी ठीक है और आपां की गल कीती सी खादर जिहड़ा है एरिया सब तो लोएस्ट एरिया स्ट्रीम दा और जिथे सब तो लोएस्ट है उत्थे तां मिट्टी होनी है इह साइडां ते उहदे तां इहनूं खादर सोयल्स वी कहा जांदा है होऊगी क्लीयर है ना तो पिक्चर क्लियर हो जाऊगी नाले पता लग जाऊगा इन्हों क्यों कहा जाता है ठीक अगे देखो हुण ए की है जी ये लिखो यार इन पंजाब नेक्स्ट पॉइंट लिखो इन पंजाब दिस सॉयल इज प्रेजेंट इन पंजाब दिस सॉयल इज प्रेजेंट अलोंग द वेस्टर्न बैंक ऑफ सतलुज रिवर अलोंग द वेस्टर्न बैंक ऑफ सतलुज रिवर फ्रॉम रोपड़ टू फजिलका आ चल पे जी इथों आ सतलुज है ठीक है तो आ ईस्टर्न हो गया आ वेस्टर्न हो गया हुण मैं एक होर चीज दसा हमेशा ईस्ट वेस्ट आपदा नहीं लेना हुंदा जिधर नूं उहदा फ्लो है ना उहदे अकॉर्डिंग देखना हुंदा उहदा ईस्टर्न और वेस्टर्न ठीक है तो आ सतलुज है इहदा फ्लो इधरली डायरेक्शन च है तो की है इहदा वेस्टर्न एरिया ठीक तो इधरले साइड ते उधर भी मिलती है मतलब इधरली साइड का जिहड़ा एरिया है इत्थे इह तुहाडी जिहड़ी सॉयल है इह पाई जांदी है इन्हां डिस्ट्रिक्ट दे विच ठीक है वेस्टर्न साइड्स ऑफ सतलुज रिवर फ्रॉम रोपड़ टू फजिलका ठीक नेक्स्ट की है जी इट्स कलर इज फ्रॉम पेल पेल येलो टू येलो डार्क येलो पेल येलो जेड़ा होंदा पेल जैसी कर देंदे ना लाइट जा येलो कलर इट्स कलर इज फ्रॉम पेल येलो टू डार्क येलो और नेक्स्ट जेड़ा है These soils are well drained and very deep soils. ठीक है ए लिख लो wet soils है क्यों river है river दे करके जिहड़ियां soils है और river दे आले दुआले दे एरिए च ने river दा आले दुआले दा जिहड़ा भी एरिया हुंदा है तुहाडी हुण देखो एक किसे नूं होर दसदा पिंडा चों सूए जिहड़े हुंदे ना छोटे छोटे सूए जिहड़े असीं बनाने हैं ना उह निकलदे आ कादे वास्ते पानी पहुंचाने वास्ते छोटी छोटी नहरां हुंदियां ने कदे भी देखियो वो नहर के आले दुआले का सूए के आले दुआले का जो एरिया हुंदा वो ज़्यादा ग्रीन हुंदा एज कंपेयर टू जो फरदर एरियाज हुंदे है क्यों उत्थे ना नमी हुंदी है मिट्टी च पानी हुंदा ठीक है तो इस करके क्योंकि ये भी जो मिट्टी है ये भी की है रिवर के साइड्स से है साइडा का एरिया ठीक है इस करके ये भी गिली मिट्टी कहाउंदी है ठीक है वैट है कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू अदरस ये वैट है ठीक सो दीज आर वेल ड्रेन्ड एंड वेरी डीप सॉइल्स एज वेल एज वेट सॉइल्स नेक्स्ट हुण आ भी पॉइंट देखियो की स्ट्राइक करदा तुहानू दीज सॉइल्स हैव वेरी नेक्स्ट पॉइंट च लिखना मैं फिर कह रहा पैरे ना लिख लियो जे तुसी पैरे लिखे मेरी सारी मेहनत खराब हो जानी है ठीक है एक कल्ले कल्ले पॉइंट तो ही क्वेश्चन आना होर कुछ नहीं बनता है चो दीज सॉइल्स हैव लो ऑर्गेनिक कंटेंट दीज सॉइल्स हैव लो ऑर्गेनिक कंटेंट ड्यू टू वॉश ऑफ फ्रॉम द रिवर्स
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਰਿਵਰ ਬਹਿ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਦੇ ਬਹਾਵ 'ਚ ਸੀਗੀ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਵਾਸ਼ ਆਫ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੀ ਐਚ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ, ਇਹ ਪੀ ਐਚ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, 7 to 8.4 ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੀ ਐਚ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 7 to 8.4 ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਉਹ ਸਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਈਨ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਸਮਝ ਗਏ? ਮੇਨਲੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਸਿਡਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂ, ਐਲਕਲੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਵੀਟ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਪੈਡੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਵੀਟ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਪੈਡੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਐਂਡ ਫਰੂਟਸ। ਵੀਟ, ਪੈਡੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੋਮੀ ਸੋਇਲਸ, ਲੋਮ ਸੋਇਲਸ ਜਾਂ ਲੋਮੀ, ਲੋਮ ਜਾਂ ਲੋਮੀ ਸੋਇਲ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 25% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਮ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 25% ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਮ ਸੋਇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਪੈਡੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰੋ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 25% ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੋਮ ਸੋਇਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਇਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਇਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਸਟ ਫਰਟਾਈਲ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇਹ ਸੋਇਲ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਫਰਟਾਈਲ ਕਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੋਮ ਸੋਇਲ, ਕਲੀਅਰ? ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। SBS ਨਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਫਗਵਾੜਾ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ, SBS ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਰਾਹ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਮ ਸੋਇਲ ਮਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਲੋਮ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਮ ਸੋਇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਈਨ ਗ੍ਰੇਨਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਫਾਈਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਰੀਕ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਗ੍ਰੇਨਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਡੀਪ, ਅਗੇਨ ਡੀਪ ਸੋਇਲਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੀਪ ਸੋਇਲਸ ਮਤਲਬ ਵੈਟ ਸੋਇਲਸ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਜਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ,
अगे देखते हैं हुण ए जिहड़ियां सॉइल्स है ए किस कंडीशन दे विच डेवलप हुंदियां ने ओ कंडीशन की है सब मॉइस्ट एरियाज सब मॉइस्ट जिथे के मॉइस्चर नमी रहिंदी है ना बहुत ही ज्यादा ना बहुत ही घट मतलब सब मॉइस्ट एरिया ड्राई एरियाज ना हो एंड कूल एंड वार्म टेम्परेचर देखो सब मॉइस्ट रीजन होवे कूल ते वार्म टेम्परेचर होवे बहुता हॉट टेम्परेचर नहीं चाहिए बहुता इतने मैं कोल्ड नहीं लिखा देखो कूल लिखे कूल ते कोल्ड दे विच भी फर्क है कोल्ड असी किदे लई गिणदे आ एक्सट्रीम जदों असी कहने बहुत ठंड है कूल असी कह दिंदे आ कि हाँ वधिया जिहा मौसम है ना कूल एंड वार्म टेम्परेचर जिथे है ते सब मॉइस्ट रीजन है उस जगह दे उत्ते तुहाडा की है ये बन गया ने अगे देखो इन्हां दी जिहड़ी पीएच है अगेन मैं तुहानूं दस्सी ही है पीएच इन्हां दी वी आ वैल्यू है 7.8 टू लेके 8 तक ठीक हुण ए जिहड़ियां सॉइल्स है ना ए सॉइल्स दे विच बैटर न्यूट्रिएंट्स है बहुत वधिया ने ठीक है एज कंपेयर टू बीट सॉइल्स जिहड़ियां हैगियां ने ठीक और क्योंकि इत्थे असी की कहा सी फाइन ग्रेनड है बहुते बरीक नहीं है बहुते मोटे नहीं है तो यार मिट्टी हुण मेरी गल सुनो मिट्टी दे विच पौधा जिहड़ा है किवें बन सकदा पनप सकदा जां पेड़ है जदों ओहदियां जड़ां तक पानी पहुंचे जदों ओहदियां जड़ां तक हवा पहुंचे ठीक है हुण असीं देखदे हां ना जिहड़ी गारा हुंदा गारे दी मिट्टी असीं कह दिंदे उत्थे कोई पेड़ पौधा नहीं हुंदा छेती छेती क्यों नहीं हुंदा सां नहीं आउंदा जदों कल्ला पानी ही खड़ा है ठीक है एयर दी पैसेज नहीं है क्लीयर तां जिहड़ी ये मिट्टी है क्योंकि ये फाइन ग्रेनड है इसे लई इस दे विच वेल ड्रेनड है वेल फिल्ट्रेशन ऑफ एयर एंड वाटर है वेल ड्रेनड है वेल फिल्ट्रेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन आई वुड नॉट से फिल्ट्रेशन कुछ और हो जाता है इनफिल्ट्रेशन मतलब एंट्री वेल इनफिल्ट्रेशन ऑफ एयर एंड वाटर जिदे करके यह मोस्ट फर्टाइल कहाइया जांदियां ने मोस्ट फर्टाइल इसे लिए है वेल ड्रेनड ने इन्हां दे विच पानी भी नमी भी हवा भी क्रॉस करती है एंड तक जाती है इस करके बूटा फसल वधिया उगदी है ठीक एंड दीज सॉइल्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर वीट एंड पेडी कल्टीवेशन These soils are mostly used for wheat and paddy cultivation. आगे चल दे नेक्स्ट आंदी है जी तुहाडी सैंडी सॉइल्स सैंड हुण देखो जे देखा जाए जिहड़ी सैंडी सॉइल है ये मिलनी कित्थे चाहीदी है एक तो डेजर्ट सॉइल होगी डेजर्ट सॉइल तो यार अपने कोले साफ करन लई नहीं कुछ हैगा चलो कोई गल नहीं फिर से
ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਗਰ ਇਸ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਆ ਮੈਪ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੋਇਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਆ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਆਲ ਆ ਏਰੀਆ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਏਰੀਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਪ ਉੱਥੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣੀ ਦੇਖ ਲਓ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇੱਧਰਲਾ ਆਹ ਲਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਮਿਲੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੈਂਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖੋ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਸ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਮੀ ਐਰਿਡ ਐਂਡ ਵਾਰਮ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੈਮੀ ਐਰਿਡ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਾ ਸੋਕਾ ਐਰਿਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਿਆ ਸੈਮੀ ਐਰਿਡ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਿਆ ਏਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਰਮ ਕਲਾਈਮੇਟ ਗਰਮ ਜਿਹਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰੇਨਫਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਆ ਰੇਂਜ ਚ ਰਵੇ ਠੀਕ ਹੈ 30-50 ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋਇਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਰੀਜਨ 'ਚ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪਟਿਆਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੁਕਤਸਰ ਠੀਕ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪਟਿਆਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੁਕਤਸਰ ਐਟਸੈਟਰਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਯੈਲੋ ਟੂ ਗ੍ਰੇ ਹੈ ਪੀਲੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਦਾ ਕਲਰ ਦਿਖਦਾ ਔਰ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਗ੍ਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਉਗਾਉਣਾ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਕਰੋ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਕਰੋ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾ ਤਿੰਨ ਮੈਕਰੋ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਟਸ ਨੇ ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਸਫੋਰਸ ਇਹ ਤਿੰਨ ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ 'ਚ ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਰਵਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਐਨ ਪੀ ਤੇ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੀਮ ਕੋਟਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਐਚ ਵੈਲਿਊ ਹੈ
ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 7.8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8.5 ਤੱਕ ਹੈ 7.8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8.5 ਇਹ ਦੀ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਕਲੀਨ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੈਂਡ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਡਰਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਡਰਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਟ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੋਇਲ ਨਾਲੋਂ ਬਟ ਡਰਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੋਮ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਡਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨਾ ਲੋ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੋ ਇਨ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਟ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਇਰੀਗੇਟਡ ਏਰੀਆ ਜੇ ਹੋਵੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੋਵੇ ਨਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਮ ਸੋਇਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਡਰੇਨਡ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੈਲ ਇਰੀਗੇਟਡ ਅਗਰ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਡਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਸ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਦ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੋਟਨ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਐਂਡ ਆਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਟਨ ਬੈਲਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਕੋਟਨ ਵੀਟ ਐਂਡ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ ਕੋਟਨ ਐਂਡ ਵੀਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸੋਇਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਐਮ ਆਈ ਆਡੀਬਲ ਟੂ ਆਲ ਅਗੇਨ ਐਮ ਆਈ ਆਡੀਬਲ ਓਕੇ ਚਲੋ 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 ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਜ਼ਰਟਡ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੋਇਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ
सब तो पहला था साउथ वेस्टर्न रीजन है, क्लियर ही है, हेठां वाला एरिया जिहड़ा मैं तुहानूं दस ही दित्ता है, ठीक है। और अंडर बनदी किहड़े कंडीशन च है, इट विल फॉर्म अंडर एरिड, वह सैमी एरिड सी, एरिड कंडीशन है, एरिड एंड उत्थे किसी वार्म क्लाइमेट, थोड़ा जिहा गर्म, इत्थे की है बिल्कुल तत्ता, ठीक है, हॉट क्लाइमेट, हॉट ते एरिड दो कंडीशन है, तो उत्थे ये कीड़ी बनती है तुहाडी डेजर्ट सॉयल है, और इट इज ड्राई एंड डेफिशियंट इन ह्यूमस, ह्यूमस जी है इस दे विच ओह की है जी बिल्कुल घट है या हाई नहीं, ना बराबर है, ड्राई एंड डेफिशियंट इन ह्यूमिडिटी। अगेन इट लैक्स एन पी ते के जेडे इंपॉर्टेंट है मैक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ए दी पी एच वैल्यू जेडी है वह केड़ी है 7.5 तो लैके 8.5 तक है, अगेन एल्कलीन बेसिक है, मैं तुम दस्या, ठीक है। हूँ छोटे तो यह भी पूछा जा सकता है पंजाब की जी सॉयल है मेनली की है, तुम दस देना बस बेसिक अखा मीच के, ठीक है। हूँ डिस्ट्रिक्ट केड़िया केड़िया ने जी इस अंडर आदि, डिस्ट्रिक्ट लिख लो, अबोहर है, अबोहर फिरोजपुर मुक्तसर, अबोहर फिरोजपुर मुक्तसर बठिंडा मानसा, अबोहर फिरोजपुर मुक्तसर बठिंडा मानसा संगरूर, ये जिहड़ा एरिया है वह कि आ जाता जी तुहाडी डेजर्ट सॉयल दे विच आ जाता, ठीक है। और याद रखियो मैं तुहानूं पहला भी कहा यह एरिया ओवरलैप भी कर सकता थोड़ा बहुत, मैप तो दिखाई सी ना जिवें संगरूर का एरिया मानसा का एरिया, उत्थे सैंडी सॉयल भी मिलेगी और तुहाडी डेजर्ट सॉयल भी मिलती है, क्लीयर। अगे देखो इट कवर्स अराउंड 11% एरिया ऑफ पंजाब, 11% एरिया जेड़ा है पंजाब दा ओ किते ना किते कवर कर दी है ये, ठीक। अगे चल दे हैं, हुण देखो यार जेड़ा आहा है ना एक होर है सैंडी रीजन है, ठीक है, डेजर्ट रीजन है नाल, तो सानू पता है नेरी चलती है तूफान चलते हैं, ठीक है, राजस्थान के एरिए मिट्टी उड़नी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जेड़ी तुहाडी सॉयल है इट इज कवर्ड अंडर ड्यू टू विंड एक्शन, लिख लो ड्यू टू विंड एक्शन, दीज सॉयल्स आर मोस्टली कवर्ड अंडर विंड ब्लॉन सॉयल्स सैंड, ड्यू टू विंड एक्शन दीज सॉयल्स आर मोस्टली कवर्ड अंडर विंड ब्लॉन सैंड, ठीक है, कि सैंड दे जेड़ी हवा नाल जेड़ी मिट्टी आती है ना मरुस्थली वह भी ये उत्ते पई रही है मोस्टली, ठीक। तो यह तुहाडी डेजर्ट सॉयल है, और अगेन हुण यह जेड़ी सॉयल है अगर देखा जाए यह हाई कैल्शियम कंटेंट है, ये कैलकेरियस सॉयल्स है, कैलकेरियस सॉयल्स, ठीक है। एक कैलकेरियस सॉयल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की असं गल करते हैं, जिन्हों के कैल्शियम कार्बोनेट्स ज्यादा होने असं कह दें कैलकेरियस, क्यों हो जाते हैं ये हुण की है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब की हो गया तो अड़ा ए एल्क सोडी जिन्होंने कह रहे एसिडिक वाले टाइप पासे है ना, क्यों हो जाता है इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन होने करके क्योंकि की है इतने पानी तो घट है और जी थी टेंपरेचर है ये बहुत ज़्यादा है, हाई टेंपरेचर होने करके इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन करके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो असं कह दें कि उड़ जाते हैं, ठीक है, और जोड़ा रह जाता है कैल्शियम कार्बोनेट जोड़े है वह कंटेंट कंपैरेटिवली दूजिया के कंपैरेटिवली ज्यादा रह जाता है, दिस इज कॉल्ड कैलकेरियस सॉयल्स, ठीक। एंड इसका जोड़ा कलर है इट इज फ्रॉम लाइट येलो टू लाइट ब्राउन,
येलो टू लाइट ब्राउन। येलो टू लाइट ब्राउन ये कलर है। और अगेन दिस सॉइल इज गुड फॉर कॉटन सिट्रस फ्रूट। दिस सॉइल इज गुड फॉर कॉटन सिट्रस खरीफ चिड़िया भी छोड़िया फसलों ने खरीफ दिया ठीक है एंड बाजरा वीट एंड बाजरा कॉटन सिट्रस वीट बाजरा एंड खरीफ जड़िया है फसल उन्होंने वधिया है ठीक है। हुण अगे चलते हैं नेक्स्ट जी सॉयल की गल है वो हैगी है कंडी सॉयल। केड़ी है वो कंडी सॉयल। पता ही लग गया किधर नू मिलती है ना पहले ही असि गल कर चुके हैं ता लिख लो इट इज मोस्टली फाउंड इन SBS SBS मतलब शहीद भगत सिंह नगर होशियारपुर रोपड़ SBS होशियारपुर रोपड़ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट्स। एदा जेड़ा टेक्सचर है टेक्सचर ठीक है जी असि पहले ही गल करते हैं शकल किस तरह की है टेक्सचर जेड़ा हैगा एदा विच ए सेंडी भी है प्लस क्ले भी है ठीक है। मैं तुम दस ही है कि पहाड़ों के नाल नाल जो एरिए दे विच है तो कितने वाटर कंटेंट माड़ा ज़्यादा उत्थे क्ले ही बन गई क्ले ठीक है ना मतलब चिकनी जी मिट्टी और जिहड़ी सैंड है माड़ी जी फरदर दूर जाती है तो ज़्यादा इस दे विच सैंडी मतलब की है ये टैक्सचर ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं ना यह टोटली सैंडी है ना यह टोटली क्ले है दोनों का मिक्सचर है ठीक। हुण कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जिहड़े हैगे आ उह ज़्यादा हुंदे आ दिस इज कॉल्ड कैलकेरियस यह एसिडिक बना देंदे आ सॉइल नूं ठीक है ना। अगे चलदे मिलदी कित्थे आ उह सानूं पता लग गया इहदा टैक्सचर की है उह पता लग गया। हुण जदों जदों इह सॉइल जिहड़ी है शिवालिक तों परे 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 हुंदी जांदी है असीं गल कीती सी ना मिलदा तां की है शिवालिक तों परे वाले एरिया च ही है। हुण मैं तुहानूं पहले ही दसता शिवालिक दे नेड़े तेड़े मीह ज़्यादा नदियां ने जंगल है इस करके जिहड़ी तां उत्थे वाली कंडी सॉइल है उहदे विच तां क्ले दा कंटेंट ज़्यादा मतलब गिल्ली जी ज़्यादा है आ घट है। जदों दूर हुंदी जांदी है ठीक है मीह घटदा जांदा है ठीक जंगल घटदे जांदे है तां जिहड़ी इहदी फॉर्म है उहदे विच आ सैंडी जिहड़ा है सैंड दा कंटेंट है जिहड़ा इह वधदा जांदा है। और एज वी मूव लिखो एज वी मूव फर्दर फ्रॉम द शिवालिक हिल्स एज वी मूव फर्दर फ्रॉम शिवालिक हिल्स दिस सॉयल बिकम्स कोर्स कोर्स जिहड़े हैगे ने मतलब मोटे हुंदे जांदे इहदे दाने ठीक है कोरस जिहड़े ग्रेन हुंदे आ मोटे दाने असीं कह दिंदे आ कोर्स ठीक है। हुण दिस नेक्स्ट पॉइंट है जी दिस सॉयल इज मेनली प्रेजेंट इन चोज चो हुंदे ना जिहड़े चोए जिहनूं असीं कह दिंदे आ बरसाती नाले जिहनूं मैं कहा सी ठीक है तां दिस सॉयल इज मोस्टली क्योंकि तुसीं देखो मैं कंडी एरिया उस दिन भी आपां की कहा सी पहाड़ों चो छोटिया 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 स्ट्रीम्स निकल दिया ने ना छोटे छोटिया ठीक है उही स्ट्रीम्स है कि ने वो नाले ही ने ठीक है उन्ना ही नालियां के विच जिहड़ी है ये सॉयल जिहड़ी है तुहाडी मिलदी है इट इज मेनली फाउंड इन चोज ठीक। अगे देखो हुण क्योंकि ये जिहड़ी सॉयल है आपां देखिया सी कि यार जिहड़ा कंडी एरिया है ये उबड़ खाबड़ असीं कह दिंदे आ है ना के कितों है टुट गया फिर है ठीक। ये जिहड़ियां सॉइल्स है दीज आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਇਲਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੋਇਲਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ। ਕਲੀਅਰ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਸੋਇਲ ਜਾਂ ਪੋਡਜ਼ੋਲਿਕ ਸੋਇਲ। फॉरेस्ट या पॉडजोल, उन्हें फॉरेस्ट या पॉडजोलिक सोयल की होंगी है, कितने मिलूगी, की जंगला च मिलूगी ना, ताही फॉरेस्ट है। और देखो जे जंगला च मिल रही है तो ये की होगा, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਇਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਰੇਨੀ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਅਗਰ ਰੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੋਇਲਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਠੀਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੀਪ ਸਲੋਪਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੀਪ ਸਲੋਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਸਲੋਪ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਵਾਸ਼ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਸ਼ ਆਫ ਮਤਲਬ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਇਰੋਜ਼ਨ। ਠੀਕ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਰੋਡਿਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇਰੋਡਿਡ ਹੈ, ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਨ ਆਫ ਕਰਕੇ। ਕਲੀਅਰ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡਿਸ਼ ਹੈ, ਰੈਡਿਸ਼ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਡਿਸ਼ ਬਰਾਊਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਇਲਸ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰੋਮ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂ, ਸਟੀਪ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਰੋਜ਼ਨ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਵੱਸ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਸਲਾਈਮ। ਸਲਾਈਮ, ਸਲਾਈਮ ਸੋਇਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਨੇ, ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਸਲਾਈਮ ਸੋਇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਨਾ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਇਰੀਗੇਟਡ ਏਰੀਆ, ਓਵਰ ਇਰੀਗੇਟਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰ ਇਰੀਗੇਟਡ ਏਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ओवर इरीगेटेड मतलब जिथे पानी असं कहने नहर का या साडे ट्यूबवैल बहुत ज्यादा लगे हुए हैं जेडे भी रीजन ने ट्यूबवैल ज्यादा ठीक वो है कि होंगे तुसी पानी दिता धरती ठीक है ना वो एक कैपीलरी एक्शन होंगे कैपीलरी एक्शन होना हुण कैपीलरी एक्शन की होंगे जिम्मे असं कहने रूह रूह जो पानी सोकती है ना और कैपीलरी एक्शन सोकती है ठीक है तो कैपीलरी जो एक्शन होंगे वो होंगे जो पानी है हेठ है ठीक वो ना उपर वालू आ सरफेस से आ सरफेस है ये नीचे सारा मतलब मिट्टी मिट्टी है असं पानी पाई जाने पाई जाने पाई जाने ठीक है थले पानी पानी है हूँ की है टैंपरेचर बहुत ज्यादा उपर टैंपरेचर अगर ज्यादा है तो की होया गर्म है ठीक इतों ना कैपीलरी एक्शन होना है कैपीलरी एक्शन होना है तो होया की है इतने जेडे पानी के नाल जिने भी कॉन्सीचुएंट्स है ठीक है कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट है कुछ भी है जिन्ने भी सॉल्ट ने वो मिक्स हो जाएंगे पानी के नाल ओके वो पानी के नाल ही उपर नूं जाणगे चले गए वो सरफेस से आ गए हुण की है वो सरफेस से आ गए है जदों कैपीलरी एक्शन के नाल सरफेस तो पानी ने तो इवेपोरेट हो जाना और रह की गया मगर वो सारे सॉल्ट जेडे पानी दे विच घुले हुए सी ठीक है वो सारे सारे सॉल्ट जेडे है वो सरफेस ते रह जाएंगे तुसी देखदे नहीं धरती चिट्टी चिट्टी जी होई पई हुंदी है ठीक है ना पापड़ी जी बनी पई है चिट्टी चिट्टी होई पई है वो की है वो सारे सॉल्ट ने जेडे उपर आ गए ठीक तां ये हुंदा क्यों है और तुहानू दसा जदों तुसी एग्रीकल्चर इंडिया दे लैवल दा पढ़दे हो या कुछ भी ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਓਵਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੋਇਲਟ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸੋਇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਾਈਨ ਸੋਇਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ क्लियर वाटर लॉगिंग दी प्रॉब्लम करके चलो ये उत्ते लिखो हुण जिहड़ियां है मेनली ये जिहड़ियां सॉइल जिहड़ियां है दीज आर मेनली फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट फजिलका फिरोजपुर मुक्तसर अगेन सदन पंजाब ठीक है सदन पंजाब दे विच ये प्रॉब्लम है क्यों मैं सोनू दो कंडीशन दसियां ने एक तो इरीगेशन बहुत ज्यादा होवे नाल दी नाल टैंपरेचर भी होवे इवेपोरेट भी तो होना है जे इवेपोरेट नहीं हो फिर तो पानी भी खड़ा है ठीक तो इवेपोरेशन और इवेपोरेशन कितने साउथ ने सदन वैसट जो एरिया उत्थे ज्यादा है टैंपरेचर है तो दीज आर फाउंड इन सदन वैसटन रीजन मेनली ठीक है और डिस्ट्रिक्स है जो मैं तुम्हें दसिया ने फजिलका फिरोजपुर मुक्तसर फरीदकोट बठिंडा ये वाली सारिया डिस्ट्रिक्स है और हुण की है हुण इन्हां दे विच की हुंदा जी हाईली सोल्यूबल सॉल्ट कंटेंट है जिहड़ियां इह सॉइल्स है इन्हां दे विचला जिहड़ा सॉल्ट कंटेंट है ना वह हाईली सोल्यूबल है मतलब हाईली सोल्यूबल कहने का मतलब ये थले मैं तुहानूं दस्सिया ना पानी है पानी दे नाल जिहड़े सॉल्ट है घुल जांदा उपर आ जांदा हुण वह जिहड़े सॉल्ट ने की है जिहड़ा पौधा है पौधा नहीं सलाइन जिहड़ा है एसिडिक जिहड़े सॉल्ट ने उन्हां नूं कंज्यूम नहीं कर सकता ठीक है मर जूगा वो अगे फरदर साइंस दे सोडे फेर फंडे ने कि सॉल्ट का कंटेंट उहदियां भी नसा ने समझ लो ठीक है उहदे नसा दे सॉल्ट कंटेंट वध गया घट गया उहदे करके बर्स्ट हो गया एंड ऑल वो छड्ड दो तां कहण दा मतलब की है जिहड़े पौधे भी है वह भी सलाइन जिहड़ा वाटर है उहनूं कंज्यूम नहीं कर सकते ठीक तां इहदे नाल की हो जांदा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਸੋਲਿਬਲ ਸਾਲਟ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੌਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਕਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਹੈ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਇਲ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਪੌਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਣਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ हाईली सोल्यूबल सॉल्ट कंटेंट विच इज वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्लांट्स टू कंज्यूम दैट सॉल्टी वॉटर ठीक नेक्स्ट
इट्स पीएच लेवल इज 7.328.2 ए केड़ा पीएच है मैं सुनो पहले ही दस्या जेड़ी तुहाड़ी सोयल है वो तो बेसिक ने बट मैं सुनो दस्या ना कि उपर आन करके सॉल्टी हो जांदियां ने ठीक है हुण इना दे विच हाई कंटेंट होंदा एक कीदा सोडियम दा सोडियम जेड़ा है एदा कंटेंट बहुत ज्यादा होंदा है इना दे विच सलाइन सोडियम ठीक ए ते अच्छा एदे विच खोर पॉइंट लिख लो वैसे तो मैं लिखवाई दिता है These soils are mainly found in ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ These soils are mainly found in lower portions along the river Ravi These soils are mainly found in lower portions along the river Ravi and along the Satluj river Satluj ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ mainly Ravi ਤੇ Satluj ਦਾ और जेड़ा मैं रावी की गल करता उपरले एरिए उत्ते बहुत घट मिलनगे उत्ते किसी जगह पर होंगे ना क्योंकि उत्ते टैंपरेचर बहुत ज्यादा है उत्ते ठीक है ना बट मेनली अगर देखा जाए तो जी साउथ वैसटन पंजाब है उत्ते क्योंकि उत्ते का परमानेंट ही टैंपरेचर जेड़ा ज्यादा रहना है ठीक तो ये ही है साडा जेड़ा भी सॉयल्स का जेड़ा पोर्शन है ये भी खत्म होंगे अच्छ ठीक है ये लास्ट से लास्ट सलाइन सॉयल है मैं सानू दसता कि सलाइन होंगी क्यों है कैपीलरी एक्शन है सॉल्ट आ जाता है पानी उड़ गया सॉल्ट रह गया ठीक तो ये जिहड़ियां सत्त तुहाडियां सॉयल टाइप है पंजाब दे विच ठीक है बस सानू एक चीज़ पता होनी चाहिए यार किहड़े रीजन च हो सकती है कलू कोई भी ऑप्शन आ गई तो सानू अपने आप पता लग जाना कि यार उत्थे होनी चाहिए कि नहीं अगर सानू सारे फीचर्स पता है जोग्राफी दे वाटर एंड ऑल तो सानू पता है कि कित्थे है कित्थे नहीं है ठीक है ना तो सॉयल सारिया पता है और एक चीज याद है सॉयल सारिया ही बेसिक है और सारिया ही मोस्टली एक अद्धी नूं छड़ के जिहड़े कॉन्स्टिचुएंट्स है एनपीके एंड ऑल ऑरगैनिक कॉन्स्टिचुएंट्स वो सारिया ची घट ही ने क्लीयर सो विद दिस अज दा सैशन जिहड़ा है वाइंड अप हुंदा है ठीक है और अज अपना जोग्राफिकली जिहड़ा असीं गल करनी है वो खत्म हुंदी है और कल तो साडा हिस्टरी दा जिहड़ा पोर्शन है वो स्टार्ट होना है हुण What I would suggest के history दे विच ना try करो कि ना ही छुट्टी वजह किसी की या कुछ भी है चलो छुट्टी तो क्यों ही मारनी है क्योंकि मैं try करूँगा कि history ना कहानियाँ दे नाल बुन के सुनाई जाए और छोटी कोई भी किताब है बथेरिया मैं सुनो एक होर भी दस रही जो मैं कहानी दसूँगा या कुछ भी है तो जरूरी नहीं होंगे कि एक टीचर हमेशा या तुसी भी हमेशा सब्जेक्ट रिलेटेड ही नॉलेज पढ़ते हो किताबा पढ़ते हो है ना बहुत सारिया नॉवल्स भी पढ़ते हैं असं ठीक है बहुत सारिया नॉलेज दुक्स भी पढ़ते हैं ठीक तो कल जो हिस्टरी का पोर्शन स्टार्ट होना है तो हिस्टरी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ये वो ठीक है ना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के नाल बहुत सारिया ने जिहड़ियां मेरे दिमाग च ने चीज़ा जिहड़ियां मैं सिलेबस तो बिना किताबा पढ़िया ने तो वो भी उन्होंने भी बिच ही बुन के एक बार सोनू कहानी सुनावांगे ठीक है और कहानी के विच ही सानू सारी हिस्टरी क्लीयर हो जानी है लिखवाऊंगा चार्ट बनवाऊंगा सारा कुछ बनवाऊंगा बट हिस्टरी जिहड़ी है इत्थों ही सारा कुछ क्लीयर कर दूंगा कि यार क्यों ये जगह की इंपोर्टेंस क्यों है ये उत्ते लड़ाई ही क्यों हुई क्यों नहीं हुई क्यों अज जिहड़े सानू शहर लगते हैं भी यार इत्थे की मिल सकता सी इत्थे क्यों लड़ाई इन्ना फेमस क्यों है और जो हिस्टरी दसूंगा उदो पता लगू कि यार हाँ इहदी इंपोर्टेंस की सी ठीक है ना तो उहदे नाल आपां कल नूं हिस्टरी स्टार्ट करांगे सो विद दिस अज का सैशन वाइंड अप करते हैं और अगर थोड़े तो कोई डाउट्स है हूँ मैं थोड़े तो डाउट्स लगा ठीक है चलो हाँ जी अच्छा ओ यार सॉरी वन सेकेंड मैं एक चीज़ अपडेट हो यार स्टूडेंट चले जा रहे हैं चलो रहन दो अज रहन दो
चले गए ने कुछ एक स्टूडेंट्स, ठीक है, और मेरी गलती रह गई है, अपडेशन जोड़ी हैगी है एरिया वाइज फॉरेस्ट एंड ऑल, ये मैं कल करवाना है, ठीक। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि कोई भी एक जाना मैं ना कल रिमाइंड करवा दियो आंसर कि सर वो अपडेशन करवानी है, ठीक है, वो मैं पहला करवा दूंगा, उस तो बाद स्टार्ट करेंगे आप। अज चले गए ने यार, वो गलत हो जाता है। हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, ये जेड़ा आपां सदन पंजाब इच आपां ड्यून्स दी फॉर्मेशन आपां कीती सी, उन्दे तुसी दस्या सी कि अपने ब्रेडिंग एक्शन हुंदा रिवर्स दा, वो माड़ा जा एक्सप्लेन कर दो। ब्रेडिंग एक्शन की हुंदा, मैं कहना ना कि रिवर जेड़ी है ना ब्रेडिंग के अंदर भी कटदा जांदी है, कटदी जांदी है, ठीक है। पहला रिवर्स उत्ते बहंदियां सी, उस तो दूर होंदियां गईयां रिवर्स, ठीक है, समझ गए ना। हाँ जी, वो दूर हुंदी 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 जेड़ी हैगी है ओनू असीं की कह दिंदे आ, ब्रीडिंग एक्शन है रिवर दा, कि वो जगह नूं कटदी जांदी है, ठीक है। उत्थे वो जगह जेड़ी है, हुण तुहाडा बठिंडे दा एरिया जिहड़ा मैं, वो सदन एरिया है, वो ब्रीडिंग एक्शन नाल बणा, नीचे घग्गर है उत्ते सतलुज है, ठीक है, वो चीज कही है। अच्छा अच्छा, ते सर एक आपां जिहड़ा काली बेईं दा आपां सीजनल रिवर्स विच कीता है, हां ओ सर नेट ते पेरेनियल रिवर दिखा रहे हो। सुनो, काली जेड़ी बेई है ना, काली बेई जेड़ी है, मैं सुन दस्या ना ब्यास दी ट्रिब्यूटरी है, ठीक, ट्रिब्यूटरी है सीजनल, असी ओनू किसे होर कंटेक्स्ट देखो, ओदे विच पानी है, मैं सुनो पहले क्या है, पानी है, ठीक है, पानी तो थोड़ी घग्गर च भी रहिंदा है, समझ रहे हो। बट जदों असी मेनली पेरेनियल रिवर्स की गल करते हैं, देखो ओनू पेरेनियल क्यों क्या, क्योंकि ब्यास जी है ना वो पेरेनियल रिवर है, मतलब वो तुहाड़ी परमानेंट रिवर है, ठीक है ना, तो वो ट्रिब्यूटरी है वो। बट अगर असी देखिए काली बेई, अगर तुसी देखते भी हो तो काली बेई कितना टाइम तक को बिल्कुल खत्म रही सीगी, समझ रहे हो ना, संत सीचेवाल दा ये पता है कंटेक्स की है, उन्होंने साफ करवाई है एंड ऑल, तो जी है काली बेई जी है ओनू असी परमानेंट जिहड़ियां रिवर्स है सतलुज रावी ब्यास उन्होंने कंसीडर नहीं करते, क्लीयर है, उन्होंने कंसीडर नहीं करते हैं। और सोनू पहली गल तो मैं सोनू उही दस रहा, सोनू कदे भी ये नहीं पूछा जाता कि केड़ी रिवर परमानेंट है या केड़ी टैंपरेरी है, समझ गए, सोनू एक कदे भी क्वेश्चन नहीं आऊगा, ठीक। वो मेन रिवर्स है और वह मेन रिवर्स के नाल जिहड़ियां है दूजियां रिवर्स जुड़ रही ने, क्लीयर, ये चीज दसन का मेरा जो मेन मकसद से डिस्कस करन दा वो यही है। अदरवाइज तो काली बेई एज इट इज कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है नहीं, बट आप क्यों की है, एक तो कांजली वेटलैंड उत्थे आ गया, एक गुरु नानक देव जी नाल उसका लिंक हो गया, ठीक, तो इसे करके वो आप डिस्कस की है, क्लीयर है, ठीक है सर, थैंक यू जी, वेलकम। हाँ जी ऋषभ, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੋਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੇਰੀਅਸ ਸੋਇਲਸ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੈਲਕੇਰੀਅਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁਆਇੰਟ 1 ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡਿਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕ, ਐਂਡ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਰ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ, ਮਤਲਬ ਵਾਈ ਕੈਲਕੇਰੀਅਸ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੋਇਲਸ ਕੈਲਕੇਰੀਅਸ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਜੋ ਸੈਲਾਈਨ ਸੋਇਲਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਸੋਇਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਓਵਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਲਾਈਨ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਇਲ ਦੀ, ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਾਈਨ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ, ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੀਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਯੈਸ ਸਰ, ਕੈਪੀਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਪੀਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੋਲਟ, ਠੀਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ, ਕਲੀਅਰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰ ਇਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਕੈਪੀਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਹੈ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰਲਾ ਏਰੀਆ ਗਰਮ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਏਰੀਆ ਗਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੈ ਏਅਰ ਦਾ,
नीचे वाटर टेबल हाई होना चाहिए, उपर पानी नहीं होना चाहिए ताकि हायर वाटर लेवल प्रेशर तो लोअर वाल आ सके। बट आप कह रहे हो ओवर इरीगेटेड है, ओवर इरीगेटेड का मतलब ऊपर पानी ज्यादा खड़ा है। इट इज ओवर इरीगेटेड, मैं कदे नहीं क्या पानी खड़ा है, सुन लो, इट इज ओवर इरीगेटेड। असि गमले च ज्यादा पानी पा देने, गमले के उत्ते तो नहीं खड़ा ना, थल्ले तो सारा पानी है ना धरती दे विच, मतलब ना वाटर टेबल हाई हो गया बेसिकली, दिस इज द वेरी थिंग, वाटर इज नॉट अकुमुलेटेड, इट इज ओवर इरीगेटेड। ज्यादा पानी इरीगेशन दे करके थल्ले जा चुके है, गिल्ली हो चुके है, मिट्टी दे विच तो पानी है ना वो सारा, ठीक है। और उपर लानी में कह रहा है कि उपर पानी खड़ा एंड ऑल, ठीक। हुण की है, गर्मी है, प्रेशर डिफरेंशियल है, तो प्रेशर डिफरेंशियल नीचे ज्यादा उपर घट है, तो वो कैपिलरी एक्शन है। और उस तो बाद तो सानू पता ही है कि तुसी इन्ना कि तुसी कह रहे हो। हां जी हां, सॉर्टेड सर, ये तो समझ आ गया, बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो गई है। एंड सर अनदर, वो कैल्केरियस का रीजन भी समझाओ तो प्लीज, वो कैल्केरियस क्यों होती है, कार्बोनेट्स जेड़े है, ठीक है, वो कैल्केरियस जेड़ा है, वो रीजन जेड़ा है, उत्ते सानू कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो मिलदे है, वो मिट्टी दे विच, वो जेड़ी धरती है ना, जेड़ा वो रीजन है, उत्ते कैल्शियम जेड़े कार्बोनेट्स है वो ज्यादा मिलते हैं, सुनो उपर आए हुए हैं। अगेन सेम है कि पानी नाल जेड़ा है वो रीजन दे विच जेड़ा पानी है वो उड़ गया सारा, तो जेड़े कैल्शियम कार्बोनेट्स है वो उपर ने तोड़े, सेम है। देन इफ वी डिफरेंशिएट इट फ्रॉम सैलाइन, जिवें सैलाइन च आपां कहिंदे सोडियम कंटेंट ज्यादा सीप हुंदा उपर, एंड डेजर्ट वी आर सेइंग कि कैल्शियम कंटेंट ज्यादा आंदा उपर, तो इहदा रीजन सिर्फ यही है कि उस जगह ते कैल्शियम पाया ज्यादा जांदा है, बस यही रीजन होएगा। खरीफ क्रॉप हैविंग मैक्सिमम एरिया इन सेंट्रल जोन ऑफ पंजाब, ऑप्शंस आर कॉटन, मेज, पैडी ते शुगर केन। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਔਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਸਰ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੋਪ ਹੈਵਿੰਗ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਰੀਆ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਟਨ, ਮੇਜ਼, ਪੈਡੀ ਐਂਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ। ਅਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਰ ਲਿਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਡੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪੈਡੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਆਨਸਰਿੰਗ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਟਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਘੱਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਟ ਅਗਰ ਇਸਦਾ ਦੇਖੋ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਰੱਟਾ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਟਨ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਟਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਮਿੱਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਹੈ, ਪੈਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਪੈਡੀ, ਮੇਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਟਨ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਬੀ ਕ੍ਰੋਪ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰਬੀ ਕ੍ਰੋਪ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਰਬੀ ਕ੍ਰੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਬੀ ਕ੍ਰੋਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਕਾਟਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
रबी क्रॉप है वह एलीमीनेट हो जानी है उस तो बाद रह गया और जड़िया ये चीज़ा ने यह करवा के जानिया ने बट अगेन मैं सोनू दस्या हैव सम पेशेंस जो मैं इकोनमी से आया एग्रीकल्चर की गल की उ मैं सारिया गल करूंगा ठीक ठीक है सर ठीक है सर थैंक यू सर ठीक है ना ठीक है थैंक यू हाँ जी मन की रत सर आवाज आ रही है जी 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 सर जेड़ी पंजाब जीके दी बुक सारे नु हुन प्रोवाइड हो रही है ओ हुन अद्धे कोल तो आ गई होनी है अद्धे कोल जा रही है लिसन लिसन मन की रत गल हो गई है लिसन हाँ जी कुछ नहीं है हले ना अज ही गल हुई है थोड़ा जा डिस्पैच का इशू आ रहा है सोनू पता ही है कि डिलीवरी जी है इस टाइम कोविड करके हले भी 100% रिज्यूम नहीं हुई है ठीक है हाँ जी वो तो सर ठीक है गल ये भी जो आजूगी तो उन्होंने रेफरेंस लेके नाल दी नाल ओदे विचों पढ़ाओगे मतलब पढ़ सकते हो उसको हाँ मैं वही कह रहा है डोंट वरी हाँ जी मैं जिन्ना करवा रहा ना ठीक है चंगी तरह करो इन चंगी तरह इतो ही करो जेड़ी चीज की लोड़ है किताब दे विच्चों भी मैं सोनू सही गल कह रहे हैं यार जे किताब ही देनी हुंदी ना असी फिर असी शायद क्लासा ना लाउंदे असी सोनू कहंदे मतलब नाल दी नाल रेफर करदे रहिए कुछ ना समझ गया है इशू बट यार कर सकदे हां देखो ना सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है असी तां कोविड करके ये भी सिचुएशन आ गई है बिल्कुल बिल्कुल हां जी हां जी बट वी इंश्योर के जितनी जल्दी हो सके वो पहुंच जाए किताब बट यू डोंट वरी नहीं भी पहुंचदी सोनू बिल्कुल टेंशन लैण दी लोड़ नहीं है इतने मैं जो चीजा कवर करवा रहा है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू 110% जीडिया है ये जरूरी है ठीक है और हां जी हां जी ठीक जी सर ठीक है थैंक यू वेलकम ओके हां जी गुड इवनिंग सर आवाज आ रही है यस 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 वेरी गुड इवनिंग सर दो क्वेश्चन सीगे मेरे सर एक पहला क्वेश्चन था ये सीगा सर पंजाब दे विच एलुवियल सोइल्स भी मिलदियां ने पहाड़ी जिम्मे पहाड़ा तो निकल के आंदियां ने ना रिवर्स आंदियां ने ठीक जिम्मे असी कहने गंगा दे जेड़े कंडे ते वो एल्यूवियल सोइल्स है ठीक सारी ठीक है पंजाब दे विच जेड़ी सोइल है असी इनू ना अगे डिफरेंशिएट करके समझ रहे हो डिफरेंशिएट करके के एल्यूवियल सोइल्स दे विच भी अगर तुसी कहो अगर मैं उस कैटेगरी दे विच जावां ठीक है हुण मैं तुहानू कैटेगरी नहीं ना दसी ठीक एल्यूवियल सोइल दे नाम ते कैटेगरी नहीं दसी बट अगर देखिए एल्यूवियल प्लेन्स गल कीती सी ना असी हां जी सर ता मतलब ओही है ओ जिन्ना जे उन्ना जेड़ी सोइल मिलदी है ओही ओदी क्वालिटीज है ठीक गेटिंग माय पॉइंट ठीक है सर ब्रॉडर दे विच ओही ने उन्हां नू अग्गे तोड़ता सी तो एलुवियल दे अग्गे क्लासिफिकेशन है सर जो आपां कीती अग्गे तोड़तियां है ठीक है सर सेकंड गल सी कि सर जेड़ा कैनाल सिस्टम हैगा जिद्दां SYL कैनाल हैगा इन्हां दा भी सर रेफरेंस अग्गे आएगा सर कि वो बुक चो करना है यार वो बुक चो कर सकदे हो बट कोई गल नहीं तुसी टेंशन ना लो जिथे मैनू लग्गिया और जिस टॉपिक दे नाल वो लिंक अप होईया और जिथे आपां नू लग्गिया कि आउणा चाहीदा है उथे आपां करवावांगे भी जरूर सोडे वालों मिस नहीं होगा ठीक है सर जिवें सर इंदिरा गांधी के नाल है नहीं जरूरी ता वो छड्या जाऊगा ठीक ठीक है सर ओके हां जी सर थैंक यू एनीवन लेफ्ट हां जी शीना कक्कर हेलो जी सर मैं ऑडिबल यस यस सर एक्चुअली डे आफ्टर यस्टरडे एक पंजाब डिस्ट्रिक्ट डाटा दे पीडीएफ शेयर हुई सी व्हाट्सएप पे सॉरी सर डे आफ्टर यस्टरडे पंजाब डिस्ट्रिक्ट डाटा नाम दी पीडीएफ शेयर हुई सी जिस तहसील्स एंड सब तहसील डिस्कस कीती हुई है सी सर मतलब आप उसने कि सारा ही मेमोराइज करना है या जस्ट इदा याद कर लिए किते मैक्सिमम है किते कट देखो मैं वही दस रहा हूं हुन देखो इस दे विच की है मैं सुनू याद है पहले दिन की क्या सी के 91 तहसील है दसिया सी ना नवा कुछ भी चेंजेस आ रहे ने पंजाब दे विच एटलीस्ट उनू वो ता पता है या वो भी नहीं पता समझ गए ता जेडी नवीं चीजां कुछ भी ऐड होईयां ने ठीक ओ चीजां करनियां ने हां
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ 3-6 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਉਹ 6 ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 9 ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਓਕੇ ਸਰ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਓਕੇ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਹੈਲੋ ਮਨੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਆਡੀਬਲ ਚਲੋ ਓ ਯਾਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗਰੁੱਪ ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹਾਂਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਰ 20 ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ ਸੋਇਲ ਦੀ ਪੀਐਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰ ਕਾਂਡੀ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ ਸੋਇਲ ਦੀ ਪੀਐਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਲੋ ਕਾਂਡੀ ਸੋਇਲ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਾਂਡੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਪੀਐਚ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰੇ ਪੀਐਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਉਹੀ ਹੈ ਕੋਈ 7.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8.2 ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੰਡੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹਦੀ 7.8-8.5 ਤੱਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਓਕੇ ਸਰ ਓਕੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਟੋਪਿਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਠੀਕ ਥੈਂਕ ਯੂ